आज जो है वो गंगा दशहरा है, तो हम लोग ये खाना बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे कोड़े आलू की सब्जी, खीरे का रायता और चने की दाल भर के, तो उसको हम लोग पूरी कहते हैं, दाल भरी पूरी। और तो अभी हम बनाएंगे खाना। तो ये सब हमने तैयारी कर ली है, ये चने की दाल है, खीरा है, कोड़ा आलू और इसको कद्दू भी कहते हैं, बोल लो। और ये सब मसाले निकाल लिए हैं, चने की दाल में डालेंगे जो, और सब्जी में जो डालेंगे, रायते में जो डालेंगे। और अब हम शुरू करेंगे तो फिर आपको बताते हैं। अब देखिए, अब हम दाल छौंकने जा रहे हैं, इसमें हमने तेल डाल दिया थोड़ा सा, और अब ये गैस चलाते हैं। हाँ, अब देखिए हमारे तेल गर्म हो गए, तो सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा हींग, मिर्चा और हल्दी, नमक सब डाल के और ये दाल छौंक देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और जब ये फिर बैठा देंगे तो फिर जो है ये देखिए, अब ये दाल हमारी छौंक गई है। अब ये जब तक पकेगी तब तक हम सब्जी काट लेते हैं, कद्दू और आलू। ये देखिए दाल हमारी पक के तैयार हो गई, इसको भी हम सिर पे पीसेंगे। तब तक हम सब्जी छौंक लेते हैं, तो गैस जला लें, तेल डालते हैं, तेल गर्म हो जाए, फिर ये सब मेथी डालेंगे, मिर्चा, हल्दी, नमक और ये अब अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कली है आम की, सूखी खटाई इसको कहते हैं, तो ये हम डालेंगे। हाँ, अब ये देखिए मतलब मेथी उसकी लाल हो गई है। अब हम ये सब्जी इसी कुकर में छौंक देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। वैसे कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो ये हम करते हैं, जब तक ये पकेगा तब तक हम दाल पीस लेंगे इसमें। नमक डाल दिए, खटाई डाल दी है और थोड़ा सा पानी डालें, और जब तक ये सब्जी तैयार होगी तब तक हम दाल पीस लें। हाँ देखिए, अब जो है ये हमारी दाल पीस के तैयार हो गई है, और अब हम डाल रहे हैं पूरी से की। हाँ, अब देखिए ऐसे हम लेके और इसमें उसको ऐसे ऐसे भरते हैं कि ये फटे नहीं, और इस तरह से करके और इसको ले लेंगे। बस लगाते जाएंगे और इसको हम लोग दाल भरी पूरी कहते हैं। ये पूरी हमारी सीख गई, ये रायता तैयार हो गया, ये सब्जी, और बस अब ये जो है तैयार हो गया हमारा खाना आज का। और बहुत अच्छी लगती है पूरी, और आज के दिन ये बनाई जाती है। बस अब आप लोग इसको लाइक करिए।